कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का कहना है कि भाजपा कांग्रेस की कमजोरी के चलते ही सत्ता में बैठी है। भाजपा चुनाव में प्रशासन की मदद सेवा वोट लूटकर जीतती है, लेकिन कांग्रेस उसका विरोध नहीं कर पाती। यह कांग्रेस की कमजोरी है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि जब तक राहुल गांधी का साथ लोग नहीं देंगे, तब तक भाजपा सत्ता में रहेगी। खुद कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का साथ नहीं दे रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को लेकर कहा कि बीजेपी लूट कर चुनाव जीतती है और सत्ता में आती है। मैं इस बात का सबूत दे सकता हूँ, उनके पास मतदाता नहीं है। वह लोग लूट कर सरकार बना लेते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसका विरोध नहीं कर पाती है। भारतीय जनता पार्टी के पास पहली बात तो कोई है ही नहीं, वो तो टोटल फाल्स पार्टी है। मैं आपको सबूत दे सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो जीत करके आती है वो टोटल वोट को लूट करके, और प्रशासन उनका इस समय डायरेक्ट एजेंट बन गया है। पुलिस बूथ को खुद लूट लूटती है खुद, और लूट करके वो दिल्ली में पहुँच जाते हैं, और यहाँ पर जहाँ भी आते हैं वो लूट करके आ रहे हैं, उनके पास मतदाता नहीं। वहीं पृथ्वीपुर से कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह राठौर ने भी भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राम के नाम पर राजनीति की, इसका जवाब अयोध्या की जनता ने उन्हें दे दिया है। कांग्रेस भी भगवान में आस्था रखती है, लेकिन दिखावा नहीं करती। देखिए, अच्छी बात है कि उनको श्री कृष्ण की यात्रा कर रहे हैं। हालांकि धर्म की जहाँ तक बात करें, धार्मिक बात करें, तो कांग्रेस पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है। हम सब भी धर्म पर विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका दिखावा करती है, कांग्रेस पार्टी इसका दिखावा नहीं करती। और भारतीय जनता पार्टी ने दिखावा जो किया राम के नाम पे, उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने अयोध्या में दे दिया है। इसलिए ये राजनीति करने का विषय नहीं है, ये किसको किस पर विश्वास है, ये अपने आप पे विश्वास रखने का। इधर कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सरकार की घोषणाओं पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार की योजनाएं सिर्फ लफाबाजी हैं। सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अनुदान तो दे नहीं पा रही है, 2 लाख रुपए का बीमा कहां से करवाएंगे। सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का चुनाव में भरपूर उपयोग करती है और समय पर उन्हें तनख्वाह नहीं दे पाती है। सरकार आंगनबाड़ी में फोकस इसलिए कर रही है कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं चुनाव में उनका भरपूर उपयोग करती आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय तो सही दे नहीं पा रहे थे, ये पैसा कहाँ से लाएंगे, कोरी लफबाजी है ये। किस योजनाओं में कितना पैसा आवंटित हो रहा, कितनी योजनाएं बंद पड़ी, ये तो कुल मिला के एक सब्ज बाग दिखाना है, और ये चलता है वो वैसे ही करेंगे, हमको नहीं लगता। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF रैंक्ड फॉर 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।